भाई तुम लोगों ने सोचा है अगर क्या होगा अगर एक बंदे को जमीन के नीचे दफना कर रख दे 24 घंटे के लिए, भाई उसकी हालत कितनी खराब हो जाएगी तुमने इमेजिन भी नहीं किया होगा। बट सोचो कि अगर क्या होगा अगर एक बंदे को एक कफन के अंदर जमीन के नीचे तक 7 दिन के लिए रखा जाए। भाई ये बंदा मिस्टर बीस लिटरली क्रेजी है, पागल है, वीडियो के लिए कुछ भी करेगा। आज से गाइस 2 साल पहले यहाँ पर देखो इस बंदे ने अपने आप को गाइस 50 घंटे के लिए जमीन के अंदर दफना के रखा था यार, और इस वीडियो में 309 मिलियन व्यूज है। और गाइस इसको इतना व्यूज आ गया बोल के अभी लेटेस्ट वीडियो में देखना यहाँ पर, ये देखो आई स्पेंड 7 डेज इन ब्यूड अलग, भाई मतलब 7 दिन तक ये जमीन के अंदर रहा। भाई लिटरली सोचो एक कफन के अंदर 7 दिन तक रहना, वहाँ खाना पीना सोना मुतना हगना सब कुछ, भाई मतलब कितना हार्ड होने वाला। चलो गाइस देखते हैं ठीक है। मैं अगले 7 दिन जमीन के नीचे गुजारूंगा, मेरे ऊपर 9000 किलो की मिट्टी होगी, ये मेरा अब तक का सबसे खतरनाक एक्ट। भाई साहब भाई 7 दिन तक जमीन के अंदर अपने दोस्त वगैरह देख रहे हैं, मतलब क्या खतरनाक तरीके से इस वीडियो को शूट किया होगा। सोचो कितना प्रोटेक्शन होगा, कितना सिक्योरिटी होगी, डॉक्टर की टीम होगी, मजा आने वाला है। अब टाइम हो गया है, मुझे जिंदा दफन कर दो, जिंदा दफन कर दो, लेट्स गो। ओह मैं तो डर ही गया, ये तो इस बार गया। लोग हमें कहेंगे कि हमने इसे जिंदा गाड़ दिया। ओह माय गॉड, मिट्टी की आवाज धरा रही है। मजे करो भाई, मैं तो डर के मारे मर जाऊंगा यार। ओह गॉड, शायद मुझे इसे पकड़ के रखना चाहिए। भाई सोचा मिट्टी का प्रेशर से फूट गया तो मेरी छत हिल रही है। अगले 7 दिनों के लिए ये कॉफिन ही मेरा घर है, मैं प्रे करता हूँ कि सही सलामत इसमें से बाहर निकलूंगा। और ऑब्वियसली आपको बताने की जरूरत तो नहीं है लेकिन ये 100% रियल है, और सच कहूँ तो मैंने इसे बहुत बुरी तरह से अंडर एस्टिमेट कर दिया। भाई कुछ भी बोल रहा हूँ, मिस्टर बीस अपने वीडियो के लिए ना भाई जान दे देगा भाई, इतना मतलब सोचो 7 दिन तक उस जगह में रहना, इतना करोड़पति अरबपति इंसान को देखो, मतलब ये कंटेंट के लिए भाई कोई भी लिमिट क्रॉस कर देगा भाई। और इसी के साथ ये चैलेंज ऑफिशियली स्टार्ट हो गया है, मैं यहाँ इस कॉफिन में अगले 7 दिनों के लिए फंस गया हूँ। मुझे दफनाने में बॉयज को इतना टाइम लग गया कि मुझे अभी से ही बाथरूम जाना है, और चैलेंज बस अभी शुरू हुआ है। अगर आपको मेरे बाथरूम की चिंता है तो ये लो। ओके बॉटल में है। मुझे बस अगले 7 दिन जिंदा रहना है। मेरा पैर। इस ब्रीफ केस में मेरा खाना है जिसमें कुछ MREs और कुछ स्नैक्स हैं। मेरा पैर सुन पड़ गया। लगभग 19 लीटर पानी है, और बॉयज ने इस ब्रीफ केस में कुछ जरूरत की चीजें रखी हैं, जिसे देखकर लगता है कि मेरा खाना खत्म हो जाएगा, वो भी 7 दिनों के अंदर। अगर मैं सच कहूं तो भाई चलो बहुत भाई सुसु करना, चलो समझ गया कम्फर्टेबल है, बट टॉयलेट करना कितना हार्ड होगा यहाँ पर सोचो यार, ज्यादा डेंजरस है, और कहीं मैं घुटन से मर ना जाऊं इसीलिए मेरे दोस्त मुझ पर नजर रखेंगे। जिमी कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ, सुनकर लग रहा है कि नोलन की मॉम मेरे ऊपर नाच रही है। अगर यहाँ 12 लोग होते तो शायद तुम्हें ऐसा लगता। रात के 1 बज गए हैं और मुझे लगता है कि तुम लोग अभी सोने जाओगे। मैं चाहता हूँ कि तुम में से कोई हमेशा वॉकी टॉकी के पास रहे ताकि अगर मुझे किसी चीज की जरूरत पड़े तो तुम में से कोई मेरी मदद करे। ले भाई, और अब मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है तो अब मैं सोने जा रहा हूँ, और कल पता चलेगा कि मेरी नींद पूरी हुई या मैं 9000 किलो की मिट्टी के नीचे दफन हो गया। उम्मीद करता हूँ चैन की नींद आएगी। इस चैलेंज को पूरा करने के लिए नींद के अलावा मेरे पूरा टीम है ना, पूरा स्टेडियम टाइप का बना के रखा है। मुझे याद नहीं रहेगा कि मैं इस बॉक्स में फंस गया हूँ, लेकिन ये हमेशा काम नहीं करेगा। मक्खी आ गई। क्या वो एक मक्खी? भाई मक्खी कहीं रह गया पता, लास्ट टाइम मैं यहाँ से लेकर हैदराबाद गया था फ्लाइट में, मेरे साथ साथ एक मक्खी भी पहुँच गया था। यही गोल है कि जितना हो सके मुझे उतना सोना है अपने खुद के भले के लिए। जरा देखो तो चैन की नींद सो रहा है ये बात। नहीं। नोलन ने तुम्हारी फोटो खराब कर दी है। हे नोलन, तुम्हारी मॉम सेट पर कब तक आने वाली है? मुझे लगा ही था तुम यही कहोगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इस कॉफिन को कुचल ना दे। क्या हुआ? इस चैलेंज को पूरा करने के लिए सोते रहना ही मेरी स्ट्रेटेजी थी, पर मैं भूल ही गया कि मेरे दोस्त मुझे तंग करेंगे और मुझे सोने नहीं देंगे। ये बहुत ही मुश्किल होगा। आज के दिन की शुरुआत मैं फुल पैंट्स को शॉर्ट्स में बदलने से करूंगा। ले भाई, ले भाई। बॉक्स को पंच कर दिया। मिशन 1 कंप्लीट। अब मेरे पास शॉर्ट्स हैं। ये है मेरा फूड ब्रीफकेस। चलो थोड़ा MRE ट्राई करते हैं। MRE का मतलब होता है मील रेडी टू ईट। आपको बस गर्म पानी ऐड करना है और आपका खाना रेडी हो जाएगा। और वही दूसरी तरफ बॉयज स्टेक्स का मजा ले रहे थे, वो भी मेरी कब्र के ऊपर। पता है जिमी, जब तक तुम MREs खा रहे हो हम भी तब तक वही खाने वाले हैं। सच में? हाँ। नहीं, मैंने तारीख को बैकग्राउंड में नहीं कहते हुए सुना। चलो हम अपनी अपनी मील एंजॉय करते हैं, और यही मेरी सच्चाई है। और ये क्रंची है, ये पास्ता क्रंची क्यों है? ये लाजवाब है। मैं इतना बोर हो गया था कि मैं कॉफिन को मजे के लिए पंच करने लगा, लेकिन मेरा हाथ दर्द करने लगा। जस्ट इमेजिन करो एक छोटे से कमरे के अंदर, सोचो एकदम छोटे से कमरे के अंदर जहाँ पर तुम खड़े भी नहीं हो सकते, एक जेल की तरह, वहाँ पर तुमको लिटरली कितना 7 दिन गुजारना है। बहुत हार्ड है, इतना इजी नहीं है जितना लोग सोचते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड है।
लगा, इसलिए मैंने उसे एक सॉक्स से कवर कर लिया ताकि मैं और पंच कर सकूं। मुझे बस एंटरटेनमेंट से मतलब है। ओह जिमी, थैंक गॉड मैं बोर हो गया हूँ। एक सेकंड। डर गया। क्या तुम मुझे बताओगे कि ऊपर क्या हो रहा है? यहाँ मेरी जिंदगी खतरे में है। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली बॉयज मुझे कुछ भी बताने से इनकार रहे थे। उन्होंने एक पाइप मेरी कब्र तक डाला और फिर वैक्यूम की मदद से सारी मिट्टी बाहर निकाल ली ताकि वो इस सर्जिकल वायर कैमरा को मुझ तक पहुंचाकर मेरी हालत देख सके। होल्ड करना। यही होता है। देख रहे हो, दिमाग लगा रहे लौंडे। ये है क्या? अरे इस मक्खी ने तो मुझे डरा ही दिया। हटो मुझ पर से। जरा संभल कर आहिस्ता। देखते रहो, कैमरा हटाना। हेलो, मजा आ रहा है? जिमी, नाइट जिमी। और दूसरा दिन बस खत्म होने ही वाला था। बॉयज बाहर मजे कर रहे थे और मैं यहाँ नीचे फंसा हुआ था। मैं बहुत बोर हो गया था, इसलिए मैंने प्रोडक्शन टीम देख रहे हो के दिए हुए एसेंशियल ब्रीफकेस को खोलकर देखता हूँ कि उसमें आखिर है क्या। ओके, वो कार्ड ओपन कर रहा है। क्या है कार्ड? ये नोलन की मॉम है। मुझे तुम्हारी मॉम की फोटो मिली। अब मुझे बताओ कि मुझे इस फोटो के साथ क्या करना चाहिए। नोलन, क्या ये तुम्हारी मॉम है? ओह माय गॉश, वो फोटो उसकी छाती पे है। ओह माय गॉश। और अगर मैं इस चैलेंज की बात करूं तो जो चीज मुझे क्विट करने के लिए मजबूर कर सकती है सिवाय इसके कि मुझे यहाँ पॉटी करना ना पड़े, वो है बैक पेन। और भाई कसम से यार, बैक पेन मुझे भी है। कौन कौन देख रहा है, किस किस को बैक पेन होता है बताना मेरे को। ना बैक पेन, जब मैं सो के उठता हूँ तब भी बैक पेन होता है, खा के उठता हूँ तब भी बैक पेन होता है। हालांकि मेरा फिजिकल एक्सरसाइज कम है, चेयर में भी ज्यादा गेम खेलता हूँ तो बैक पेन ज्यादा होती है। तो मैं अब से एक्सरसाइज शुरू कर दूंगा भाई, अब से रेगुलर एक्सरसाइज। दिन में 30 पुशअप चैलेंज करूंगा डेली, 1, 2, 3, 4 करते करते, और उसे कंटिन्यू रखूंगा अगले लाइफ टाइम तक। सोच रहा हूँ बट भूल जाता हूँ मैं यार। पेन, और आप देख ही सकते हैं कि मुझे इस चैलेंज में कितनी मुश्किल हो रही है, पर ये तो बस शुरुआत है और चीजें और भी बदतर होने वाली हैं। इस समय जबरदस्त बारिश हो रही है, थंडरिंग हो रही है। आवाज से मैं उठ गया। नोलन, उठो, हमें जिमी को चेक करना चाहिए, कहीं वो कुचल तो नहीं गया। मुझे उसकी चिंता हो रही है, ये सच में एक फ्यूनरल जैसा लग रहा है। ऐसा तो नहीं बहुत ज्यादा दब गया? मुझे भी वही लगता है। जिमी, इसको क्या पता है, इसको तो कुछ पता नहीं चलेगा कि बाहर क्या हो रहा है। धूप है कि मतलब बारिश हो रही है कि क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं चलेगा इसको। भाई पूरा साउंड सिस्टम लेके आ गया, पूरा का पूरा साउंड सिस्टम आ गया भाई। ऐसा मत करो यार। लो ये फिर से शुरू हो गए। मैंने तो अभी तक अपने पैंट्स भी नहीं पहने हैं और इनका पागलपन शुरू हो गया। कितना इरिटेटिंग लगता होगा ना जमीन के अंदर ये सब चीजें। जिमी मेरी आवाज आ रही है? मैं होता तो निकल के मार डालता। पर क्या कर रहे हो? तुम्हारी कब्र के ऊपर हमने 15 स्पीकर्स लगा रखे हैं। तो अब क्रिस मेरे लिए घटिया म्यूजिक प्ले करने वाला है। जिमी हम यहाँ पार्टी कर रहे हैं। ओह माय, यो मेरा कॉफिन सच में हिल रहा है। जिमी यहाँ भूकंप आया है। आएगा भाई, उसका बेस कितना ज्यादा होता है। मैंने अभी नोटिस किया कि एक बोल्ट ठीक से फिट नहीं किया गया है। उसके कॉफिन का एक बोल्ट निकल गया बेस पे से। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ। क्या मुझे इस बात को लेकर परेशान होना चाहिए? नहीं यार, एक से कुछ नहीं होगा। बताओ तुम सब अब कर क्या रहे हो? मैं वाइब्रेट हो रहा हूँ। इन वाइब्रेशंस की वजह से सिर में दर्द हो रहा है। मेरे बालों में फूल कहाँ से आ गए? मैं पागल हो रहा हूँ। चलो अब टनल खोदते हैं। हम यहाँ से शुरू करेंगे और जिमी के कॉफिन तक जाएंगे। हमारे पास तेज आवाज वाले स्पीकर है जिससे उसे खुदाई की आवाज नहीं आएगी। मेरे पास एक आइडिया है, हम स्पीकर्स जिमी सरप्राइज हो जाएगा, वॉइसेस प्ले करेंगे जिससे उसे एक्सकवेटर की आवाज नहीं आएगी। बहुत ज्यादा शोर है और कोई वॉकी टॉकी पर जवाब नहीं दे रहा है, तो या तो मैं मरने वाला हूँ। ये तो बिल्कुल एक वीडियो गेम की तरह है ना, बढ़िया है ना। उधर से गाना बज रहा है और साइड से टनल खोद के भाई सरप्राइज कर दो अंदर आके। कोई बेवकूफी कर रहा है। बस जब तक आप किसी को गलती से मार ना दो। अब मैंने ऑफिशियली 50 घंटे क्रॉस कर दिए लोग यार वीडियो में। लास्ट टाइम जब मैंने ये चैलेंज किया था, मैं अब उससे आगे निकल गया हूँ। मैंने अपने डॉक्टर से प्रॉमिस किया था कि मैं हिलते डुलते रहूंगा ताकि मेरा ब्लड क्लॉट ना हो जाए, लेकिन इस तरह हफ्ते भर लेटने से आपकी मौत भी हो सकती है। भाई ये भी सोचो तुम, ये बंदा एक हफ्ते तक खड़ा भी नहीं रहेगा। कितना हाइट ब्लड का सर्कुलेशन मतलब होता ना, कैसे बोल रहे साइंस उतने आती नहीं, बट ब्लड का जो होता है सर्कुलेशन होता है ना ऊपर नीचे जाने वाला, ये ब्लड तो पूरा लाइक अपना बॉडी कैसा फील करेगा जब तुम खड़ा होगे, चक्कर आ जाएगा एक बार लाइक कितने दिन बाद खड़ा होने के पे। मैं यहाँ खड्डा खोद रहा हूँ के लिए, मिट्टी लूज करता हूं। मैंने बॉयज से डंबल्स पैक करने के लिए कहा था और उन्होंने मुझे 1.5 किलो के डंबल्स दे दिए। मुझसे बदबू आ रही है। ठीक है,
मुझे ये सोचकर डर लग रहा है कि कुछ दिनों के बाद जब मैं खड़ा होऊंगा तो कहीं मैं सच में मर ना जाऊं। थोड़ा और गहरा खोदो। मैं इस काम को करने के लिए सर्टिफाइड नहीं हूं। मैं बोर हो गया हूं इस कॉफिन में। सो गए। डे 4, 4 दिन हो गए। चलो, हमने रात भर मेहनत करके इस टनल को खोदा और हमने उस आदमी को पैसे बिल्कुल नहीं दिए। क्या भाई? ये सेफ है? मैं सेकंड नंबर पर जाऊंगा। क्या है? और मेरे बाद तरीक को भेजना। ये क्या है? तुम सब मेरे पीछे आना। इस चैलेंज की सबसे वियर्ड बात ये है कि यहाँ पर बहुत सारे कैमरास हैं जो मुझे हर वक्त रिकॉर्ड करते रहते हैं। हमें थोड़ा और खोदना है, फिर हम कॉफिन तक पहुँच जाएंगे। मुझे शुरुआत के एक दो दिन कुछ नहीं लगा, लेकिन बाद में ऐसा लगने लगा जैसे कोई मुझे घूर रहा है और ये बात मुझे इरिटेट करने लगी। मिल गया। हम बस पहुंच ही गए हैं। ये आवाज कैसी आ रही है? हाय जिमी। ये क्या? हाय जिमी। जिमी, क्या हम दिख रहे हैं? मुझे नोलन का माथा दिख रहा है। वो तो दिखेगा ही। इस टनल को खोदने में कितना टाइम लगा? सारी रात जिमी। आज ऐसा कुछ होगा मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। ए नोलन, एक सेकंड, इस फोटो के बारे में क्या ख्याल है? उस फोटो से छुटकारा पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? इस फोटो की वजह से ही मैं जिंदा हूँ। मुझे वो वापस चाहिए। मैं इसे फ्रेम कर रहा हूँ और हमेशा के लिए रखूंगा। आई एम सॉरी। तुम इस कॉफिन में इतने लंबे टाइम से हो कि तुम्हें पता ही नहीं चल रहा कि चैनल का क्या हो रहा है। 200 मिलियन होने ही वाले हैं। तुम्हारे 200 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने जा रहे हैं। ये वीडियो कब शूट हुआ था? इमेजिन करो, 200 मिलियन होने वाले। 2000 बोल रहा हूँ। ये वीडियो कितना पहले शूट था? अभी देखो कितना है गाइस, 212 मिलियन। लिटरली भाई देखो, ये वीडियो बहुत, मतलब कि बहुत 6-7 महीने, एक साल पुराना वीडियो है क्या? नहीं, 6-7 महीने नहीं, इसका महीने में कितना बढ़ता होगा? आई डोंट नो यार, इसका तो भाई डेली मिलियंस बढ़ता होगा। बट हाँ, वीडियो पुराना है, 212 मिलियन हो चुके हैं, अभी 198 मिलियन था। काश मैं इसे लाइव देख पाता। मैं भी मेरे दोस्त नोलन की तरफ से तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। हम यहां पर एक फेस्टिवल बार टेप करने जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत गर्मी है। क्या ये नया वाला फेस्टिवल बार है? ए, मेरे दोस्तों की मार्केटिंग सच में बहुत अच्छी है। अब हर टाइम लैप्स पर आपको ये बार नजर आएगा। अच्छा, उम्मीद है कल का दिन अच्छा गुजरे। अजीब सा लग रहा है, मैं बहुत थक गया हूँ। किसी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही है। पता नहीं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। ओके, क्यों रहा हूँ समझ नहीं आ रहा। मेरे से तो नहीं हो पाएगा। हाँ, इस कमरे के अंदर मुझे अगर कोई बोले कि 1 month बिताना है, मैं बिता दूंगा। और निकालने हैं, बट यहाँ पर तो मैं सो सकता हूँ, खड़ा हो सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। इंसान लगातार 5 दिन लेटने के लिए बना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं डिप्रेस ना दिखूं। बट हाँ, टॉयलेट बाथरूम के लिए चाहिए टाइम चाहिए, या फिर अंदर कुछ बना दो। हमारे पास पेंटबॉल गन्स हैं और हम उसे तुम्हारे टोम्बस्टोन पर चलाएंगे। मजेदार लगता है क्या? मैं भी मुझे नहीं पता उससे क्या करूं। जिमी, तुम टाइम पास के लिए क्या कर रहे थे? कुछ भी नहीं, मैं तो पगला गया हूँ। क्या तुमने पॉटी की? मुझे बहुत जोर से पॉटी आई थी, लेकिन मैं देखता हूँ कि 2 और दिन रुक सकता हूँ या नहीं। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे कुछ भी करने का मन ही नहीं कर रहा। मैं यहाँ पर पिछले 5 दिन से पड़ा हूँ और खाना बनाने की भी बिल्कुल ताकत नहीं है, और यहाँ बाथरूम जाना भी बहुत मुश्किल है। पूछना मत कैसे, पर मैंने अपने शॉर्ट्स पर थोड़ी सुसु कर दी है और अब मैं शॉर्ट्स का उतना पार्ट कट कर रहा हूँ। सॉरी, अब ये बहुत छोटी हो गई है। ये बहुत घिनौना था। जिमी, हम यहाँ सेलिब्रेशन के लिए हैं। अपने ऑलमोस्ट 200 मिलियन सब्स हो गए। अच्छा, मुझे एस्टिमेट बताना कितने टाइम में होगा। मैं कोई रॉकेट साइंटिस्ट नहीं हूँ। वो हमसे जानना क्या चाहता है? पूरा दिन बोरिंग रहा। अब चलो ध्यान देते हैं अपने 200 मिलियन सब्सक्राइबर गोल पर। हम बहुत पास हैं। आज से पहले मैं नेब्रास्का में आवारगी करता था और अब वो नॉर्थ कैरोलिना में आवारगी होने वाले 200 मिलियन। मैं भी पहले नेब्रास्का में आवारगी करता था। काल, ये बहुत ही खास मोमेंट है, नोलन को कॉपी मत करो। मुझे याद है जब हम कैंटीन में बैठ कर ये सब बातें करते थे, और आज हम 200 मिलियन सब्सक्राइबर्स पर पहुँच गए हैं। ये इनसेन है। मुझे सबके साथ बहुत मजा आया। चलो कुछ और गोल्स क्रश करें। और फाइनली चैंडलर खत्म करो। जब मैंने शुरू किया तो मैं एक जनरेटर था, और अब देखो 200 मिलियन सब्स के साथ बैठा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। मैंने पहला वीडियो 11 साल की उम्र में बनाया और अब मैं 25 साल का हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा चैनल इतना बड़ा होगा, और अब हमारे 200 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। तो मैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मेरी वीडियोस हमेशा देखते हैं। मुझे अब भी याद है जब मैं रिएक्शन भी कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। अरे बस देखने वाले हैं। ये हमने कर दिखाया। अनफॉर्चुनेटली तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है, तो हम अब तुम्हें अनप्लग कर देंगे। अरे रुको रुको, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड से तो एक बार बात करने दो। हाँ जरूर जरूर, मैं कर लूंगा। ऑलराइट ब्रो, अपना ख्याल रखना, हमें भूख भी लगी है। कम ऑन, ऐसा मत करो, मुझे बस उससे 2 मिनट के लिए बात करनी है ताकि उसे पता चल जाए कि मैं जिंदा हूँ। ये ले, चलो खाना खाने। ऐसे कैसे भाई? चलो अब 2 दिन बाकी है। पता नहीं यार, मैं सही कर रहा हूँ या गलत, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं रो क्यों रहा हूँ। 200 मिलियन अचीव करने की खुशी तो है ही,
पर अब मैं फिर से अकेला यहाँ पर फंस गया हूँ। पूरे 5 दिन हो गए हैं, 5 दिन अकेले इस कॉफिन के अंदर। और कॉफिन के अंदर बहुत हार्ड होगा। बिल्कुल नहीं पता कि 2 और दिन कैसे निकालूंगा। मेरी हालत बहुत खराब हो रही है। यो जिमी, क्या हालचाल? की हालचाल, सत श्री अकाल। पता नहीं जिंदा भी है कि नहीं। नोलन, थैंक यू सो मच मेरी इतनी चिंता करने के लिए, लेकिन देखो वॉकी बंद मत करना जिमी। ये बात, जिमी पहले टेरिफाइड था, उसके बाद वो अकेला था और अब वो उदास है। मैं आपसे बात करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कंटेंट के लिए, पर सच कहूं तो मुझे बात करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। मुझे बस इससे बाहर निकलना है। हाँ, वो पागल होते जा रहा है। मेरे पास एक आइडिया जिससे वो खुश होगा, इसलिए मैं कुछ फोन कॉल्स करूंगा। पता नहीं मैंने आपको बताया या नहीं, लेकिन मैंने सारी पी बॉटल्स यूज कर ली हैं, और इसीलिए जब भी मुझे पी करना होता है मैं इसमें से एक खा लेता हूँ और फिर इसमें हल्का हो जाता हूँ और जिप कर देता हूँ। मैं जानता हूँ मुझे ये शेयर करने की जरूरत नहीं है, ये चैलेंज बहुत वाहियात है और मुझे निकलना है। मैं इतना दुखी था कि शायद इस दुनिया में बस एक ही चीज होती जो मुझे सच में चीयर अप करती। जिमी, मैं किसी को लाया हूँ। किसे लाए हो? मेरे पेरेंट्स। ओह, आप लोग कैसे हैं? वेल, क्या तुमने नोलन से उसकी माँ के बारे में बात की जब तुम नीचे थे? नहीं, एक बार भी नहीं। और मेरी फोटो? मुझे नहीं पता आप क्या बोल रहे हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज, क्या आप नोलन के बारे में एक बहुत ही एम्बैरेसिंग चीज बता सकते हैं? ओ जिमी, बहुत सारी। इससे ये चैलेंज और भी बेहतर हो जाएगा। एक बार उसने बताया कि वो प्रॉम जा रहा है, लेकिन वो पड़ोसी के घर थोड़ा टाइम बिताने चला गया था। हम चाहते हैं कि वो क्रिसमस में किसी लड़की के साथ घर आए। आपने आकर मेरा मूड बना दिया, अब कमेंट सेक्शन में सच में बहुत मजा आएगा। अरे यार जिमी, मेरी मॉम का एक और क्वेश्चन है। वो क्या है? ऑल राइट, अब आप जा सकते हैं। बाय जिमी। क्या उसने फिर से वॉकी फेंका? यस यस यस। मुझे पता है तुम सभी सोने की तैयारी कर रहे हो और कोई भी सुबह उठना पसंद नहीं करता। मुझे कोई परवाह नहीं। एग्जैक्टली 12 घंटों में तुम सबको खुदाई शुरू करनी है, ठीक है? क्या मैं जल्दी उठना पड़ेगा इसके लिए? कितना बज रहा है? हम सब अपना अपना अलार्म लगा कर रखेंगे, ठीक है? अगर मैं खड़ा हुआ और मुझे ब्लड क्लॉट्स हो गए और मैं ऑन द स्पॉट मर गया तो क्या करोगे? मुझे पता है तुम्हें कहाँ रखना है। 12 घंटे बाद मिलते हैं। डेट पक्की? अब मैं सोने जा रहा हूँ। सिर्फ 12 घंटे, 9 घंटे सो जाएगा मान लो, 8 घंटे, मुझे 4 घंटे बातचीत करना है। कॉफिन से बाहर निकाल रहा होगा। सॉरी, पता नहीं मुझे रोना क्यों आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैं आज से पहले कभी भी इतना एक्साइटेड रहा हूँ। मैं कल सूरज की रोशनी देखने के लिए बेताब हूँ। मैं आपसे सुबह मिलता हूँ, बहुत ही मजा आने वाला है। मैं पूरी रात यही सोचता रहा कि सुबह होने के बाद मैं अपने पैरों पर खड़ा हो पाऊंगा या नहीं। दिन बिना हिले डुले एक ही जगह पर लेटना नॉर्मल नहीं है। वीडियो क्रेजी तो है ही है, थोड़ा इमोशनल भी है सच बोलूं तो। बॉयज, अब ऑफिशियली 7 दिन पूरे हो गए हैं। मुझे पता है तुम लोगों को काम करना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ से बाहर निकालो। हम आ रहे हैं जिमी। ये इस चैलेंज का सबसे बुरा पार्ट है, क्योंकि मैं अपने बेवकूफ दोस्तों का इंतजार कर रहा हूँ। और मुझे इस बात की भी टेंशन है कि कहीं खड़े होने पर मैं मर तो नहीं जाऊंगा, तो देखते हैं। एक्सकेवेटर लेके आओ। मुझे देखकर वो सबसे पहले मुझसे कहेंगे कि मुझसे कितनी बदबू आ रही है। अभी होगा जेसीबी की खुदाई। ये सांता क्लॉज जैसा दिखने वाला है, मुझे बाहर निकालेगा अभी। 7 दिन हो चुके हैं, जेसीबी की खुदाई शुरू होने वाली है। निकालो, खोदो। अब किसी भी सेकंड ये मिट्टी हट जाएगी और मुझे सनलाइट दिखेगी। इंतजार नहीं होगा। चलो। ओह, वो रहा एक्सकेवेटर। ओह, ये डरावना है। ओके। मुझे सनलाइट दिखी। ए जिमी। ए जिमी। भाई कितना खतरनाक है यार, डरावना तो है। मैं 7 दिनों के बाद सन को देख रहा हूँ। इस फीलिंग को डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है। ओह माय गॉश, मुझे रोना आ रहा था एक बार फिर से। पता नहीं क्यों, बस मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा। वीडियो ना थोड़ा लाइक दिखाया, सैड टाइप का हो गया ना, सैड हो गया। सिर्फ एक ही सवाल रह गया है, जब मैं खड़ा होऊंगा तब क्या मैं ब्लड क्लॉट से मरूंगा? नहीं, बस 1 मिनट में पता चल जाएगा। जिमी, तुम तैयार हो? मुझ पर गिराना मत। तुम्हारे अंदर से पक्का बहुत बदबू आ रही होगी। मुझे पहले से पता था, मैं जानता था तुम यही कहोगे। पहले मुझे ठीक से खड़े हो जाने दो, उसके बाद हम सेलिब्रेट करेंगे। तब तक तुम ठीक से बैठ तो जाओ। पर 1 मिनट, रुको रुको रुको, पहले मेडिक को नीचे आने दो। क्या तुम्हें चक्कर वगैरह तो नहीं आ रहा है? पता नहीं। चलो बहुत बढ़िया, चलो आ जाओ। एक हफ्ते बाद खड़ा हो रहा हूँ। ओह माय गॉड, पैरों में जान ही नहीं है। मैं मरा नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। हालांकि मेरा सर थोड़ा दर्द कर रहा है। सच में ये काफी अजीब सी फीलिंग है, लेकिन असली सरप्राइज तो ऊपर ग्राउंड पर इंतजार कर रहा था। यहाँ तो काफी लोग हैं। और आखिरकार 7 दिनों के बाद 200 मिलियन सब्सक्राइबर्स अच्छे से सेलिब्रेट कर पाया। अभी तो हमें 200 मिलियन सेलिब्रेट करना है ब्रो।
आप सबने मेरी अंडरवेयर देख ली है तो इस वीडियो को एंड करते हैं और हमेशा की तरह इसे एक एक्सप्लोजन से एंड करते हैं। सो गाइस, वीडियो काफी खतरनाक था, बहुत ही जबरदस्त लाजवाब था। आप लोगों को कैसे लगा कमेंट में बताना। मेरे को लगा वीडियो थोड़ा क्रेजी होगा, बट वीडियो जैसे जैसे एंड होता गया ऐसे ऐसे मुझे लगा कि वीडियो थोड़ा इमोशनल होते जा रहा है। या मजा आएगा इस